थोड़ी समय मिलता है, एक दिन मिले, दो दिन मिले, तीन दिन मिले, महीने भर मिले। आप सबको पता है ना 2020 में 20 ओवर का रहता है, 20 ओवर में जो भी लक्ष्य टारगेट रहते हैं उसको पूरा करना रहता है। हमारी सरकार के जो कार्यक्रम है, हमारे 4.5 साल की सरकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना वो जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। मिशन 2023, मिशन 2024 हमने जो लक्ष्य रखा है, हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं के दम पे हम फिर से सरकार बनाएंगे। और हमारे जवाब कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में 19.5 लाख मेंबरशिप है, और हमारे जवाब कार्यकर्ता हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की भारत जनता जिस ढंग से 2018 में 68 सीटों के साथ सरकार हम बनाए थे, फिर से हमने 75+ का टारगेट रखा है, वो लक्ष्य हम पूरा करने में सफल होंगे ऐसा मुझे लगता है। कहना सही है, मैंने अभी पहली बैठक मैंने उच्च अधिकारियों की बैठक ली है, जो आप बातें समस्या रखी उस बात को भी मैंने भी दोहरा है, और हम कोशिश करेंगे जो पद रिक्त है जहाँ अतिरिक्त प्रभार भी हमने दूसरे अधिकारियों को दिया है, उन अधिकारियों की प्रतिष्ठा हो ये हम लोगों का प्रयास है। अभी कुछ जगह प्रमोशन भी हुए, प्रमोशन के बाद हम उन पदों में करेंगे ताकि स्थायी हमारा सहायक होगा, तो जो हॉस्टल है, आश्रम है, स्टाइपेंड है, हमारी क्रीड़ा परिषद है, हमारा एकलव्य विद्यालय है, कई ऐसे संचालनों में कोई दिक्कतें आ रही है। हमारे सम्मानित विधायकों ने भी एक कई सुझाव दिए, उन सुझाव को हम विभागीय स्तर पर समीक्षा करेंगे और उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पास कितने अभी सहायक ऐसी है उनको हम देख लेंगे, और कहाँ कहाँ खाली है, कहाँ कहाँ प्रभार है उसको हम लोग, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो पूरे रिकॉर्ड नहीं थे, इसलिए हमने अलग से विधानसभा सत्र के बीच में हम लोग विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक करेंगे, और जहाँ संभव हो हम लोग पुष्टि करेंगे। आपको पता है प्रदेश कांग्रेस के बीच कार्यकाल 3 साल होता है, 3 साल मेरा कार्यकाल पहले हो चुका था, चौथा कार्यकाल 1 साल तो मैं इसको बोनस के रूप में काम किया। तो स्वाभाविक है कि जहाँ जहाँ किसकी उपयोगिता होती है पार्टी समय समय पर डिसीजन लेती है, और हम सबको चुनाव लड़ना है, और हमारे ऊर्जावान सांसद दीपक बैज जी जो बस्तर से आते हैं उनको बनाया गया ताकि पूरे 90 विधानसभा को समय दे सके। अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष चुनाव समय पर जाता हो सकता है समय दे पाता नहीं पाता, वो तो बात की बात है, इसीलिए हाईकमान ने आदरणीय दीपक बैज जी को बनाया। मैं हम साथ में दोनों विधायक रहे 2013 से 2018 में, पार्टी के प्रति समर्पित है, वो भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, मैं भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, हम लोग जमीन से उठते हैं यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम संगठन को जमीन से बारीकी से समझते हैं, और हमें लगता है माननीय दीपक बैज जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के मार्गदर्शन में, आदरणीय मैम जी के मार्गदर्शन में, और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करेंगे। जिस ढंग से पिछले चुनाव में हम 12 के 12 सीट जीते हैं, हमें लगता है बस्तर की फिर से जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही बताइए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।